नाहन में 6 महीने से उथल पुथल मची हुई है। शहर में पीने के पानी के स्टोर के टैंक को आपस में जोड़ने और शहर की गलियों व सड़कों पर पाइपलाइन के अलावा अग्निशमन विभाग के लिए वाटर हाइड्रेंट की पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया जनजीवन को प्रभावित कर रही है। शहर की तमाम गलियों व सड़कों को तहस नहस कर दिया गया है और सड़कों व गलियों को खोद कर लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित कर दी गई है। हालात ये है कि नाहन शहर की कोई भी सड़क गली ऐसी नहीं रह गई है जिसकी छेड़छाड़ नहीं की गई हो। ताजा घटनाक्रम में पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य नाहन के नया बाजार से अमरपुर मोहल्ले को जाने वाली सड़क पर किया जा रहा है। पाइपलाइन बिछाने वाले ठेकेदार के मजदूरों ने सड़क को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है और हालत ये है कि कार व दो पहिया वाहन तो दूर, लोगों के लिए पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी गई है। ऐसे में अमरपुर मोहल्ले के लिए लोगों में खासा रोष है। यही नहीं, जल शक्ति विभाग द्वारा भी जिस ठेकेदार को कार्य दिया गया है वह कछुआ गति से कार्य कर रहा है। हालात ये है कि लोग पैदल आते जाते भी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल शक्ति विभाग व नगर परिषद संयुक्त रूप से संबंधित ठेकेदार को कड़े नोटिस जारी कर शीघ्र ही पाइपलाइन बिछाने के कार्य को पूरा करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सूरत पुंडीर की रिपोर्ट।